Hey guys, welcome to my channel, Pet Level Science Chicago. बहुत दिन से वीडियोस नहीं आ रही थी, मैं तबियत खराब था, मेरी शादी थी, इसी कारण वीडियोस नहीं आ रहे थे। अभी से हर वीक दो वीडियो फिक्स है, एवरीडे भी आ सकती है, पर एवरीडे मतलब मे भी नहीं भी आए, बट वीक में दो बार वीडियो 100% फिक्स है कि आप आएंगे। तो सब कुछ फ्री होने के बाद मैं ऊपर जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत दिन से अपने कबूतर को नहीं देखा, और मुझे पता है कि आप लोग ने भी नहीं देखा। मुझे कमेंट्स भी आ रहे थे, थैंक यू भाई जिसने मुझे कमेंट किया था। मैं तो उनको बताना चाहता था कि एक नए यूट्यूबर, एक न्यू यूट्यूबर को कहना कि हाँ भाई आपका वीडियोज़ नहीं आया, मुझे वीडियोज़ चाहिए, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए अब से रेगुलर वीडियोज़ आएंगे। मैं छत पर आ गया हूँ, और छत पर अभी तक कोई कबूतर खुला हुआ नहीं है, पर मेरा मुखी जो है वो किसी तरह बाहर आ गया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मेरा मुखी ये बाहर आ गया है, और ये अंडे पे बैठी हुई थी। तो सबको खोलते हैं बहुत दिनों के बाद। कम ऑन, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सारा कबूतर बाहर आ गया, और आज कुछ सरप्राइज़ भी है, आज बस कबूतर नहीं है। और जो लोग मिस्ट्री स्काई के बारे में पूछ रहे थे, वो लोग भी बहुत अच्छे हैं, और गर्मी की वजह से मिस्ट्री थोड़ा सा बीच में परेशान हो गई थी, पर वो अब बिल्कुल भी ठीक है। ये तो आपको पता ही है, पूरा ना हम लोग का लॉफ्ट था, कुछ कबूतर अभी भी यहाँ रहते हैं। आज हम लोग ये भी चेक करने वाले हैं कि सब कबूतर ठीक है कि नहीं है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये सारा कबूतर है। कुछ नया आप लोग को लग रहा होगा, वो नया ये है कि कुछ कबूतर मेरे पास पड़ गए, तो वो ये सब बाहर के कोई कबूतर नहीं है। ब्लैक वाले जितने भी देख रहे हैं, वो मेंटल ब्लैक का जो था, उसके बच्चे थे जो मैंने किसी को दिए नहीं इस बार। कुछ कबूतर अभी भी इसके अंदर हैं और निकल रहे हैं। ये मेरा पुराना लॉफ्ट खाली नहीं है, मतलब सब बाहर आ गया है, इसलिए जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सारा कबूतर तो सही ही लग रहा है। तो इन लोग चलिए दाना वाना कराता है। ज़रा जो ख़राब हो गया था, मतलब ख़त्म हो गया था, बीच में बारिश आया था, उसके कारण वो ख़राब भी हो गया था। तो अभी हम लोग एक दो दिन यही देने वाले हैं, क्योंकि जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर उतना कबूतर वबूतर का उतना कोई किसी का शौक नहीं है। शौक है भी तो उतना मतलब प्रॉपरली केयर नहीं करते, तो मिक्स फीड बनाना पड़ता है। तो कुछ सामान है जो मुझे लाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा बेगूसराय, क्योंकि मेरे लोकल एरिया में नहीं मिलता। जब हम लोग वहाँ पे जाएंगे तो आप लोग ये बताएंगे क्या है क्या नहीं है। तो इन लोग वाले खाना वाना दे देते हैं, उसके बाद आप लोग को मैं सीधे ले चलता हूँ कि क्या नया है उसमें। तो हम लोग का जो गिफ्ट था वो इसके अंदर है, सॉरी मैं दिखाता हूँ कि किसके अंदर है। तो उसके अंदर है, उससे पहले आप लोग स्काइप और मिस्ट्री से मिल लीजिए, जो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। जी मिस्ट्री, मिस्ट्री स्काइप, बहुत दिन हो गए थे, सबको पूछ रहा स्काइप का, मिस्ट्री का। स्काइप हेलो, सबको हेलो बोलो। तो हर बार तरफ मिस्ट्री फुल एनर्जेटिक, खाने का टाइम हो गया इसलिए ऐसे कर रही हूँ। तो वर्षा खाने दे रही है, तो चलिए हम लोग भी बात करते हैं आपको। तो जैसा कि आप लोग देख के समझ ही गया होंगे, ये है एक चिकन कूप। तो इसमें जो मुर्गी आई है वो मेरे फेवरेट प्लेस कैंटोक्स है। ये कुछ ऐसा दिखता है, ये मैंने मेरे पापा ने मिलकर बनाया था। तो आप चेक करें, मुझे ब्रीड का नाम नहीं पता, पर ये बहुत बड़े हैं। एक चिकन कम से कम 5 किलो का है। तो अभी हम लोगों ने इसे बंद करके रखा, क्योंकि पापा के पास इसे बहुत सारे हैं, इसलिए उन्होंने बहुत सारे लिखा है। बाहर है कुछ अंदर है, वो बाकी हम लोग किसी और वीडियो में देखेंगे। तो अभी
आप बताएं कि आप लोग को ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। प्लीज़ मुझे जैसे पिछले वीडियोज़ में सबको सपोर्ट किया था वैसे आप मुझे फिर सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।